के बिहारी सेवा मंडल द्वारा मुल्तानी कॉलोनी के शिव मंदिर में पांच शाम कन्हैया के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अंतिम दिन बाल व्यास भक्ति प्रिया ने सारांश बताया। आप भी सुनिए क्या महत्वता थी इन पांच दिनों की। ये पंच दिवसीय आयोजन पांच शाम कन्हैया के नाम ठाकुर जी के नाम किया गया था और इसमें विशेष ये रहा कि हम लोगों ने भक्तों के चरित्रों पर आनंद प्राप्त किया, भक्तों के चरित्र श्रवण किए। इसका समापन आज भंडारे के दौरान हुआ। सुबह प्रातःकाल में हवन यज्ञ हुआ, तत्पश्चात कथा, तत्पश्चात भंडारे का आयोजन हुआ जिसमें अनेक श्रद्धालुओं ने यज्ञ भी किया और प्रवचन में भी लाभ उठाए। और तत्पश्चात भंडारा प्रसाद तो आप लोगों को पता ही है कि उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होने होती है इस समय में, तो लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया है और लोग जो चाहते हैं कि भक्तों का चरित्र है वो लोग इस चरित्रों से अनभिज्ञ हैं, इसी प्रकार उनको श्रवण करने में, भक्तों के चरित्र के बारे में श्रवण करने में आनंद प्राप्त होता रहता है, इसीलिए वो भक्तों के चरित्र सुनने में इच्छुक रहते हैं। इन पांच दिनों के अंदर भगवान की विशेष कृपा, किस कलिकाल में भी भगवान स्वयं प्रकट होकर भक्तों के साथ कैसी कैसी लीलाएँ करते हैं, जैसे कि किसी भी भक्त की रक्षा करने का प्रसंग लिया, कृष्णदास जी महाराज जी के समक्ष प्रकट होकर ठाकुर जी ने स्वयं उनको अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान की और द्रौपदी जी की रक्षा की है, अर्जुन की रक्षा की है, महाभारत के दौरान अनेक ऐसे प्रसंग हैं, भक्तमाल की कथाएं भी भरी पड़ी हैं, हमारे शास्त्र, हमारा सनातन धर्म, अनेक जो हैं ठाकुर जी की रक्षा से प्रेरित हो हुए प्रसंग हमें श्रवण करने को, पढ़ने को मिलते रहते हैं। शंकर भगवान की आराधना क्यों की जाती है, विशेष सावन मास में क्यों करनी चाहिए और विशेष आराधना का फल क्या मिलता है, इस पर भी महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। और जो आज का समय है, लोग शंकर की आराधना को पसंद करते हैं क्योंकि भोले बाबा जो है बिल्कुल भोलेनाथ, जिनका नाम ही स्पष्ट कर रहा है कि वो आचरण से, व्यवहार से भोले ही हैं। तत्पश्चात उनके श्रृंगार और उनकी पूजा पाठ के लिए कोई विधि नहीं है, एक लोटा जल चढ़ाने मात्र से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए लोग भगवान शंकर की पूजा आराधना को अधिक महत्व और प्रसन्न करते हैं।